क्या आप ये जानते हो कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी से एक फोन को चार्ज करने में कितना समय लगेगा, और ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है उसकी स्पीड क्या है। ब्रेन के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 3, जब आप राइट हैंड हिलाते हो तो वो आपका लेफ्ट ब्रेन करता है, और जब आप लेफ्ट हैंड हिलाते हो तो वो आपका राइट ब्रेन करता है। मतलब जितने भी राइट हैंडेड लोग होते हैं उनके पास डोमिनेंट लेफ्ट ब्रेन होता है, और जितने भी लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनके पास डोमिनेंट राइट ब्रेन होता है। तो भिड़ लोग, अपुन इस पत्थर को अपने राइट लेग से लात मारेगा, ये अपुन का लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करेगा। अरे ये ट्रक का एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये कुत्ता रास्ते के बीच आ गया था। साहब मैंने सीसीटीवी में देखा, इस लड़के ने कुत्ते पर पत्थर मारा और कुत्ता बीच में आया, जिसके कारण ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो गया और ऊपर से इस रोड में गड्ढा था जिससे गाड़ी फिसल गई। अत्ता माजी सटक ली, सीरियल किलर बनने का शौक है क्या? फैक्ट नंबर 2, ब्रेन में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से ट्रेवल होती है। जब एक न्यूरॉन स्टिम्युलेट होता है तो वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करता है जो एक सेल से दूसरे सेल ट्रेवल करता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है इसकी स्पीड होती है 268 माइल्स पर आवर, यानी 431 किलोमीटर पर आवर। फैक्ट नंबर 1, हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रिसिटी से कुछ लाइट बल्ब्स को पावर किया जा सकता है, पर ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी से अगर एक फोन को चार्ज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो अगर आप अपने फोन को 0 to 100 ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना चाहो तो आपको 6833 आवर्स यानी 285 डेज लगेंगे। तो ये बस हाइपोथेटिकल है कि अगर हम ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पाते तो कैसे, पर रियल लाइफ में थोड़ी ना आप ब्रेन को यूज करोगे फोन को चार्ज करने के लिए। ए गुड्डू, तेरा दिमाग देना, मुझे फोन को चार्ज करना है। अबे पागल है क्या? अच्छा चल ये बता कि एडेप्टर कहाँ पे लगाएगा? तेरे घुटने पे। ओए चूतिए भोसड़ी के, ज्यादा शानपना नहीं दिखाने का। लगता है कि मुझे इसका दिमाग इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। मिल ही गया इसका दिमाग, अभी फोन को चार्ज करता हूँ। अरे यार चार्ज ही नहीं हो रहा है, गुड्डू मरने के बाद भी काम नहीं आया। आली रे आली, अत्ता तुझी बारी आली। आखिर फीमेल एनाकोंडास मेल एनाकोंडास को क्यों खाती है, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।